प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों 24 जुलाई के दिन जो है ना हिंदी का पेपर आप लोगों का होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल 101% ओरिजिनल पेपर का जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में ना हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिए थे, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की अगर आप लोग नहीं देखे ऑब्जेक्टिव का आंसर की, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की कहाँ मिलेगा डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा। तो उससे पहले देखिए आप लोगों का जो विषय कोड प्यार बच्चों क्या रहेगा, तो देखिए चाहे आप लोग साइंस आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से रहोगे, तो आप लोगों का साइंस वाले बच्चों का विषय कोड 106 रहेगा, और आर्ट्स वाले बच्चों का जो है ना प्यार बच्चों कॉमर्स वाले बच्चों का 206 रहेगा, और कॉमर्स वाले बच्चों का 306 रहने वाला है। इस प्रकार से आप लोगों का विषय कोड वगैरह रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 125 भी हो सकता है, 224 भी हो सकता है, 331 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा, और सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका आंसर की मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, इसलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की आप लोगों को जो है ना बता देते हैं। तो चलिए यहां से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां से प्रश्न दिया जा रहा है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी एक पर निबंध लिखना है, ये 5 नंबर वाला होगा, एक ही बनाना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक नंबर में दिया गया है बेरोजगारी और युवा वर्ग पर आपको लिखना है निबंध, या फिर आप लिख सकते हो मेरी प्रिया पुस्तक पर, या फिर महंगाई एक समस्या पर, भ्रष्टाचार पर, संप्रायिकता पर, या फिर आपसा शिक्षा पर, तो किसी एक पर लिख सकते हो। बट हम प्यार बच्चों क्या करेंगे, बेरोजगारी और युवा वर्ग पर हम लोग क्या करेंगे निबंध लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हम आपको डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आप कोई भी बात इसमें हो तो समझना मत, मतलब कि आप समझ सको, इसलिए स्किप मत करना। चलो दो नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं एक पर आपको स्वप्रसंग व्याख्या करना है, यानी कि पूरा एकदम डीप में बताना है, ये भी 5 नंबर वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन नंबर में क्या दिया गया, कौन नंबर में दिया गया, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो जो ना विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी जो ना निर्धियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। तो ये आपका पहला हो गया। उसके बाद आप देखेंगे ना यहाँ पर बोला ख नंबर में कि यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह मार करती है, ठीक है। चलिए आगे है, दीन सब अंगीन छीन मलिन आधि जो ना अधि अघिस अघाई नाम लय भरव उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, तो ये आपका हो गया। उसके बाद घोर मरे पवन की प्राचीर में एक रूपक जला जीवन जा रहा झुक इस झुलते विश्व तन की मैं कुसुम ऋतु रात रेमन, तो मैं आपको यहाँ पर पहला नंबर जो है ना इसका आंसर की बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आप सारा प्रश्न देख लीजिए, फिर इसका प्रॉपर आंसर कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए तो यहाँ पर प्रश्न आप देखिए, पहले 3 नंबर है, ये बोला कि अपने क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप का वर्णित करते हुए उचित कार्रवाई करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, या तो आप ऊपर का बनाओ या नीचे का, 8वां में दिया गया है, 8वां में कोई एक ही बना सकते हो, फिलहाल मैं ऊपर का ही बताऊँगा, और ये 5 नंबर वाला होगा, ठीक है। चलो एक और यहाँ पर देख सकते हो, एक और पूरा का पूरा ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि गट कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए, तो कोई एक आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है, ये जो है ना 10 नंबर के लिए आपका होगा। चलिए 2 नंबर वाला टोटल प्रश्न है, आप देखिए जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला, उसने कहा था कहानी क्या केंद्रीय भाव क्या है वर्णन करें, 2 नंबर की जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, 3 नंबर की डायरी क्या है, 4 नंबर की कहानी है तुम राजा हो मुकुल को बाने आए हो बजीरा इस कठन में किस ओर संकेत करती है, और आगे है 5 नंबर बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आंसर के भी बताऊंगा डाउनलोड करने के लिए, आप रुके रहो। देखो इस चैनल पे शाम में 7 बजे डेली आज जो है ना साइंस वाले बच्चों का लाइव क्लास चलता है, और आर्ट्स वाले बच्चों का 8 में 8 बजे, और नोट्स वगैरह भी आपको दिया जाता है, जिसको पढ़ करके आप लोग 450+ नंबर दोनों सब्जेक्ट में ला सकते हो, साइंस आर्ट्स दोनों। तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप ग्रुप अभी बताएंगे कैसे ज्वाइन करना, ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्लास वगैरह भी करने के लिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको सारे प्रश्नों का लगातार 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, बट आप सारा प्रश्न देख लो।
छः नंबर की चोर मन, चोर और मन किसे कहते हैं। सात नंबर है कि बुध के लिए क्या माँ क्या क्या करती है। और आठ नंबर की दानव दुर्वात्मा से क्या अभिप्राय है। और नौ नंबर की जो ना ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है। और दस नंबर की जो ना अखरा वट के रचयिता कौन है। चलिए इसका आंसर कहाँ मिलेगा फटाफट हम लोग सीख लेते हैं। अपने फोन में सबसे पहले ना गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सबसे पहले उसके बाद सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जिस चैनल पर भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। गूगल में आकर के मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये राइस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आइए। नीचे आइएगा तो क्लास ट्वेल्थ का एक आपको सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 11 क्लास ट्वेल्थ का सेशन जुलाई एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबका। तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। सबसे पहले यहां पर फर्स्ट में ही व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना जल्दी से। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो ये रहा साइंस का सेशन। अगर आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ कोई भी सब्जेक्ट हो तो यहां से लिख सकते हो, इंग्लिश हिंदी नॉन हिंदी उर्दू मतलब सारा है। आगे बढ़ेगा तो ये रहा आर्ट्स का सेशन, तो पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी फिलोसफी हिंदी इंग्लिश, इसके अलावा फिलोसफी साइकोलॉजी इकोनॉमी हिस्ट्री सारा आपको मिल जाएगा, होम साइंस म्यूजिक उर्दू और मैथिली का, तो आप यहां से कर सकते हो। इसके अलावा कॉमर्स वाले बच्चे अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिंदी सब कर सकते हो। किसी भी सेशन से हिंदी इंग्लिश उर्दू का आप डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल हमें भी करना है हिंदी का, सामने लिखा है डाउनलोड, तो डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होगा। पेज को आप लोग रिफ्रेश कर लेना। पेज को कैसे रिफ्रेश किया जाता है, नीचे की ओर खींचना होता है। क्या होगा कि हम कुछ भी डालेंगे ना तो आप रिफ्रेश करोगे तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी टाइम डाला जा सकता है तो वो मिल सकता है आपको, ठीक है, यानी कि दिख जाएगा। चलिए स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आइए। यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर डाला गया, तो इसे आप लोग आराम से लिख लीजिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव जो प्रश्न दिखाए हैं सारे प्रश्नों का आंसर की मैं कुछ ही देर में यहां पर डाल रहा हूं। आप जल्दी से यहां आकर के डाउनलोड करना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप बार बार चेकआउट करते रहना, यहां पर आकर के किसी भी टाइम डाला जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे।